मैं सिस्टर लेविस, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना। आज आपको इसलिए मैं यहाँ पर हूँ कि मैं आज आपको अपनी सोसाइटी को, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट को मैं बता सकूँ कि हमने कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए क्या अपडेट्स करी हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना को ये सर्विस ह्यूमैनिटी मनुष्यता की सेवा करते हुए 126 साल हो चुके हैं। पिछले सालों को अगर मैं देखूं तो हर साल हमारे सीएमसी हॉस्पिटल ने मनुष्यता की सेवा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अगर पुराने सालों को मैं देखूं, मुझे याद आता है डब वाली कांड, हमारे नेबरहुड में खुद मोहल्ला में आग लगी थी वो कांड, और हमने हाथों हाथ मनुष्यता की सेवा के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है। आज भी कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोग डरे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना ने आप सबके लिए एक अलग से अरेंजमेंट किया है। आपको दूसरे हमारे डॉक्टर्स, एमएस सर, डायरेक्टर सर ने सब कुछ बता दिया है कि हमने अपने पेशेंट्स, ताकि हमारे पेशेंट मिक्स ना होए, उनके लिए अलग से एक यूनिट क्रिएट किया है जिसमें कोविड के सारे पेशेंट वहीं जाएंगे, और जो हमारे बाकी नॉर्मल पेशेंट्स हैं, जैसे डिलीवरीज को हम रोक नहीं सकते, डायलिसिस पेशेंट को हम रोक नहीं सकते, तो वो पेशेंट जो नॉर्मल पेशेंट है हमारे कोविड पेशेंट्स के साथ मिक्स ना हो, इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक सिस्टम क्रिएट किया है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग डरे ना, आप सीएमसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आ सकते हैं। हमारी ओपीडीज खुल चुकी हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारी ओपीडी पर ही हम क्या कर रहे हैं, हमारी ट्रेन्ड नर्सिस, एक्सपर्ट नर्सिस वहां पर बैठा के हम उनकी, पेशेंट जब एंटर ही करता है उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपरली हो रही है। जब भी पेशेंट जैसे भी आता है, जिसको जरूरत है, ये हम मैं अभी भी कहना चाहूंगी कि जिसको इमरजेंसी है वो ही हॉस्पिटल विजिट करे, और ऐसे जैसे ही कोई पेशेंट हमारे, जैसे ओपीडी खुली है, जैसे पेशेंट विजिट करता है तो हमारे रिसेप्शन के ऑपोजिट साइड में ही हमने 3 डेस्क लगा के जो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं वहां पर नर्सिस को बैठाया है, जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले जैसे पेशेंट आता है तो हम उनके हैंड सैनिटाइज करवा के, अगर पेशेंट बिना मास्क के है तो इमीडिएटली उनको मास्क पहनाया जाता है। वहीं पर ही हमारी लेजर थर्मामीटर, जिसको कि हम गन भी कहते हैं, उससे उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। फिर उनसे शॉर्ट हिस्ट्री लेके स्कोरिंग करके, अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग उनको हमारी नर्सिस, हमारे पास अलग से फ्लू ओपीडी बना के रखी हुई है, उधर को गाइड करते हैं। जो नॉर्मल पेशेंट है वो अगर कैजुअलिटी में जाने वाले, इमरजेंसी है कोई, तो जो अलग से हमने इमरजेंसी कैजुअलिटी क्रिएट करी है हम उसमें भेज देते हैं। तो टाइम टू टाइम हर डेस्क पे हमारी नर्सिस प्रॉपरली स्क्रीनिंग करती हैं, उनका पूरी हिस्ट्री लेके सैनिटाइज करके उनको गाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर मिक्सिंग का कोई भी चांस नहीं है। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि एंट्री पॉइंट में ही प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है। तो आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सीएमसी हॉस्पिटल ने एक मनुष्यता की सेवा के लिए, फिर से आप सबकी सेवा के लिए हम सब हाजिर हैं। किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो हमारे नंबर है रिसेप्शन पे, आप वहां पर कॉल करके किसी भी चीज के लिए हर समय पूछ सकते हैं। तो मैं आप सबको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि आप बेधड़क सीएमसी हॉस्पिटल में किसी भी इलाज के लिए आ सकते हो, कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने कोरोना के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया है। हमारे स्टाफ मेंबर्स क्योर हैं, हम अभी प्रोटेक्टेड हैं पूरे, क्योंकि हमने सब अलग करके रख दिया है। तो आप सबको मैं अपने सीएमसी हॉस्पिटल की तरफ से सबका धन्यवाद करती हूँ, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स का, मैनेजमेंट का, जिन्होंने ये सारा इंतजाम किया, हमारे जो एम्प्लॉयज भी हैं जो आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी प्रॉपरली सब कुछ उनको पहना कर प्रॉपर पीपीई देकर के हम उनसे काम करवा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, स्टेट पंजाब और पूरे इंडिया को बताना चाहती हूँ कि हमारे कोविड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए वी हैव डन एवरीथिंग। थैंक यू।